नमस्कार दोस्तों। तो आज की स्टूडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर थर्ड में हम जानेंगे कि फ्यूचर ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, और उसका जो पे ऑफ चार्ट होता है हम उसे भी देखेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्यूचर या फिर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है। वैसे मैंने पिछली जो वीडियोज़ हैं मैंने उसमें बता रखा, बट एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए, होता यह है कि हम कुछ चीज़ हम फ्यूचर में हम बाय करने वाले हैं, लेकिन हम पहले से उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, वो बदले ना, ठीक है। अब सपोज़ दैट मैंने एग्ज़ाम्पल लिया जैसे किसान का, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था किसान का, ठीक है। ये किसान है जिसने बहुत सारे आलू उगाए। अब अभी राइट नाउ प्राइस चल रहा है 20 रुपये केजी, ठीक है, और एक कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है। अब वो उस उन्होंने जो भी अपनी चिप्स के जो प्राइजेज़ हैं, ठीक है, वो उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं 20 रुपये केजी के हिसाब से, ठीक है। बट कंपनी को ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बाद हो सकता है आलू के प्राइजेज़ बढ़ जाएं, और जो किसान है उसको ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बाद आलू के प्राइस कम हो जाए। तो किसान और कंपनी ने दोनों ने आपस में मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर में 6 महीने बाद हम जो आलू है वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हम आपस में ख़रीदेंगे बेचेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मतलब अभी जो डील है वो होने वाली है 6 महीने बाद, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अभी। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कीमत मान लेते हैं वो 100 किलो आलू ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो 1 लाख रुपए के आलू वो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 लाख रुपये हो गई। अब मान लेते हैं अगर वो 2 लाख रुपये का आलू ख़रीदना चाहेंगे, मतलब 1 लाख से अगर 2 लाख आ गए, तो यानी इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तब तक है जब तक वो आलू है, अगर आलू ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बोल सकते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब फ्यूचर और फॉरवर्ड आप दोनों की बोल सकते हो। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑफलाइन होता है, बट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सचेंज पे होता है, मतलब हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उस पर होता है बस, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, और भी डिफरेंस होते हैं, हम धीरे धीरे के जाने, मतलब सिमिलैरिटी यही होती है, ठीक है। तो अब वो जो असेट होती है, मतलब जिस बेस पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं अंडरलाइन असेट। क्या बोलते हैं उसको, हम अंडरलाइन असेट, ठीक है। तो हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है ऑफलाइन, और जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट होता है जो कि दो पार्टीज़ के द्वारा डायरेक्टली बनाया जाता है, क्या करने के लिए, बाय या फिर सेल करने के लिए एक स्पेसिफिक असेट को फ्यूचर में, ठीक है। और जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो पहले से डिसाइड होती है, ठीक है। और अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो हम असेट यूज़ करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कमोडिटीज़ हो सकती है, वो फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, वो इक्विटी हो सकती है, वो इंटरेस्ट रेट मार्केट, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। मतलब जो अंडरलाइन असेट है ना वो कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दे रखा, बट वैसे आपको समझ में आ गया है। अब एसेंशियल फीचर क्या होते हैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये दो पार्टीज़ के बीच में होता है, और उसमें जो भी टर्म्स हैं, यानी कि जो भी उस का प्राइस है, मतलब उस एग्रीमेंट का जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है, ठीक है, और क्या क्वालिटी होगी, डिलीवरी कैसे होगी और कैसे सेटलमेंट होगी, जितनी भी चीज़ें हैं सब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, ठीक है। बस यही है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना वो हमारा OTC होता है, यानी कि वो ओवर द काउंटर होता है, ठीक है, वो हमारा ओवर द काउंटर होता है, मतलब वो ऑफलाइन होता है, इसीलिए उसमें जो रेगुलेशन है उसमें बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई हो सकता है कि फ्यूचर में क्या था जो पार्टी वो मुकर जाए, बोले कि नहीं मैं क्या था ये जो असेट है वो मैं नहीं बेचूंगी, या फिर वो ख़रीदेगा नहीं, ठीक है। बट अगर वही चीज़ अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर कर रहे हैं तो वहाँ पर वो पार्टी मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रेगुलेशंस है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है और क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, सेबी है, ठीक है। मेजर लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड, हाँ, जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो मेजर लिमिटेशन क्या है, लिक्विडिटी रिस्क, हाँ, कि मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि सामने वाला आप वो ख़रीदे ही ना। अब लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, कैश, मतलब हो सकता है सामने वाला ख़रीदे ना या फिर बेचे ना, ठीक है, मतलब पैसे लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। काउंटर पार्टी रिस्क, हो सकता है पार्टी मना करते भैया नहीं चाहिए,
ठीक है, मतलब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट हाँ, लेकिन अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो हमारा जो है एक्सचेंज पर होता है, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें उस देखिए, जो चीज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वही चीज़ यहाँ पर है, बट ये उस स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। और यहाँ पर ना पहले से एग्रीमेंट रेडी होते हैं, यहाँ पर आपको पहले से ही एटलीस्ट 3 महीने के एग्रीमेंट आपको मिल जाते हैं बने बनाए, ठीक है। उसमें प्राइस वगैरह सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड होती हैं, मतलब पहले से फिक्स होती हैं, बस आपको बाय और सेल का जो ऑर्डर है बस वो प्लेस करना होता है। आपने शायद एक्सचेंज पे देखा भी होगा, अगर नहीं भी देखा तो आप जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको फ्यूचर के, आपको मतलब इक्विटी के, ठीक है, जैसे आप रिलायंस के फ्यूचर दे सकते हैं। जैसे अभी अगर महीना चल रहा है अप्रैल का, तो आप अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आपको मई जून अप्रैल मई जून मतलब आपको 3 महीने का जो रिलायंस का जो फ्यूचर है आपको देखने का मिल जाएगा, मतलब रिलायंस का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है वो जो भी शेयर के प्राइस होगा उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो किसको दिखा रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जैसे मैंने अभी आलू का एग्जांपल लिया था, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको दिखा रहा है, आलू दिखा रहा है, यानी कि आलू का प्राइस अगर कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा, और अगर आलू का प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। अब इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो इसके अंदर दो पार्टी होती हैं, लेकिन वो एक्सचेंज के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो एक्सचेंज के थ्रू होती है। प्राइस वगैरह सब आप, ठीक है, यहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हो एक्सचेंज पर। यहाँ पर आपको मार्जिन भी मिल जाता है, यानी कि अगर आपको 1 लाख की चीज़ ख़रीदनी है तो आपके पास 1 लाख रुपये होने ज़रूरी नहीं है। अगर आप हो सकता है आपको 5 गुना मार्जिन मिल जाए, यानी कि आपके पास 20,000 रुपये हैं तो आप 1 लाख का माल आप उठा सकते हैं। क्वांटिटी पहले से डिसाइड होती है, और जो क्वांटिटी है वो भी पहले से डिसाइड होती है। और ये हमें, हाँ ये हमें फ्यूचर दे रखा है, ये हमें एक आई थिंक फ्यूचर दे रखा है, ये उसका चार्ट है, ठीक है। अब जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक होता है स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब ये स्पॉट प्राइस होता क्या है, द प्राइस एट विच एन एसेट ट्रेड इन द कैश मार्केट, ठीक है। जैसे अब आलू था, अब आलू 20 रुपये का बिक रहा था मार्केट में, ठीक है। तो जो 20 रुपये था कि वो क्या था, वो उसका स्पॉट प्राइस था। क्या था उसका, वो स्पॉट प्राइस था, ठीक है। अब जो फ्यूचर प्राइस होता है वो अलग होता है, जो फ्यूचर प्राइस होता है वो अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग फैक्टर होते हैं, मतलब वहाँ पर फ्यूचर को देख के प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो वहाँ पर आपको 2-3 रुपये आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो स्पॉट प्राइस था वो आपको 10,154 मिले, लेकिन हो सकता है जो उसका फ्यूचर प्राइस है वो 10,171 मिले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम फैक्टर है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, अब मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो आपको एटलीस्ट 3 महीने के मिल जाते हैं, ठीक है। नियर फार सॉरी एक एक तो आपको करंट, नियर, फार, ऐसे मतलब ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। तो ये आपको देखना ज़रूरी कि वो मतलब वो कौन से मंथ का, अभी वो राइड अभी का है, ठीक है, वो नियर मंथ का है, या फिर नेक्स्ट मंथ का, या फिर फार मंथ का। हाँ देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, ठीक है। नियर मंथ यानी मार्च, अप्रैल और मई। जैसे अभी अगर मान लेते हैं अभी अप्रैल चल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नियर मंथ, ठीक है। फिर उससे अगले का वाले जो अगले वाला का मंथ का जो होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसे बोलेंगे नेक्स्ट मंथ। फिर उसके अगले वाले को बोलेंगे हम फार मंथ। ये तीन टाइप के आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जब भी आप सर्च करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी अगर इक्विटी के, ठीक है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो उसकी एक डेट होती है कि वो कब एक्सपायर होगा। तो आमतौर पे ना वो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि थर्सडे को हॉलीडे है, तो वो उससे 1 दिन पहले एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो फिर वो वेनसडे को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर इस महीने का अगर कोई कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इस महीने की वो थर्सडे को लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर थर्सडे को हॉलीडे है, ठीक है, बंद है, अगर मार्केट बंद है, तो उससे फिर 1 दिन पहले बंद हो जाएगा। अगर उस दिन भी छुट्टी है, तो उससे 1 दिन पहले बंद हो जाएगा।
फिर टिकट साइज़, मतलब आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो इट इज़ मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशन। एक्सचेंज डिसाइडेड द टिकट साइज़ ऑन द ट्रेडिड कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। टिकट साइज़ फॉर निफ्टी फ्यूचर इज़ 5 पैसा, मतलब कि वो कितना वो मूव कर सकता है, कितना वो चेंज कर सकता है। बिट प्राइज इज़ द प्राइज बायर इज़ विलिंग टू पे, ठीक है। बिट प्राइज क्या होता है कि बायर कितना रेडी है पे करने के लिए, और आस्क प्राइस क्या होता है कि जो सेलर कितना रेडी है सेल करने के लिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की आप वैल्यू जो है वो आप कैसे पता लगाओगे, जो भी प्राइस होगा शेयर का इंटू कर दो लॉट साइज से। होता यह है कि जो फ्यूचर में जो हमारे अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, ठीक है ना, इक्विटी की फ्यूचर की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो फ्यूचर के जो इक्विटी होते हैं, ठीक है, सॉरी इक्विटी के जो फ्यूचर होते हैं वो एक दो शेयर में नहीं बिकते, वो लॉट में बिकते हैं, ठीक है। जैसे 75 शेयर का एक लॉट हो गया, तो 75 इंटू जो भी प्राइस होगा, ठीक है, जो आप फिर यहाँ पे जो प्राइस, तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल गया वो आपकी क्या होगी, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है, फिर उसके हिसाब से फिर आपको जो मार्जिन वगैरह है वो मिल जाता है। तो अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।